नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताशु गौड़ आज लॉकडाउन के इस पीरियड में आपके समक्ष स्वर्गीय गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक कविता पढ़ने जा रहा हूं। हो सकता है शायद ये कविता सुनकर आपको लॉकडाउन के इस पीरियड में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कविता का शीर्षक है आराम करो। एक मित्र मिले, बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस डेढ़ छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो, क्या रखा मांस बढ़ाने में मनहूस अक्ल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है मरमिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपैदी खोती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूं, मेरे अनुभव से काम करो, यह जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में, जो होठ हिलाने में रस है, वह कभी ना हाथ हिलाने में। तुम मुझसे पूछो मैं बतलाऊं है मजा मूर्ख कहलाने में, जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। मैं यही सोचकर पास अक्ल के कम ही जाया करता हूं, जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूं, दिए जलने के पहले घर आ जाया करता हूं, जो मिलता है खा लेता हूं, चुपके सो जाया करता हूं। मेरी गीता में लिखा हुआ सच्चे योगी जो होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं, अद्वायन खींची खाट पे पड़ते जो आनंद आता है, वो 7 स्वर्ग उपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उड़ जाता है। जब सुख की नींद कड़ा तकिया इस सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूं इस सर में इंजन जैसा लग जाता है, मैं मेल ट्रेन हो जाता हूं, बुद्धि भी फक फक करती है, भावों का रश हो जाता है, कविता सब उमड़ी पड़ती है। मैं औरों की तो नहीं, पहले अपनी बात ही लेता हूं, मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊंटों की उपमा देता हूं, मैं खटरागी हूं, मुझको तो खटिया पे गीत फूटते हैं, छत की कड़ियां गिनते गिनते छंदों के बंध टूटते हैं। इसलिए तुम्हें समझाता हूं, मेरे अनुभव से काम करो, खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। हैप्पी लॉकडाउन पगली।